फैन को मैं रखूंगा हाई पे, लेकिन 26 डिग्री के ओवरऑल ये शुरू से लेकर अब तक ज्यादा है, मतलब एक एक डिग्री से बहुत फर्क पड़ता है। लंबाई के रुख पे वक्त है और ऊंचाई के रुख पे एम्पियर्स हैं। करें तो ये बहुत फजूल सा सवाल है, उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम। सब्सक्राइब कीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को टेक्निकल अपडेट्स और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर देखने के लिए। दोस्तों आज मैं एक और बहुत जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद की, जिसमें मैंने 27 डिग्री के साथ कूल मोड पे हाई फैन के साथ एसी चलाया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ, वो भी आप देख लें। आज जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ये तो एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला है, मैं डिफरेंट मोड्स पे डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आज मैं एसी चलाऊंगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने कहा कि हम तो 26 या उससे कम पे चलाते हैं, तो उस पर हमें तजर्बा करके दिखाएं। तो आज मैं 26 डिग्री पे अपना एसी चलाऊंगा, आपको दिखाता हूं एम्पेयर कंसम्पशन स्टार्ट में कितनी है, एंड में कितनी है, मिडिल में कितनी है, वो सारी आपको साथ साथ पता चलती जाएगी। मोड में रखूंगा कूल और फैन को मैं रखूंगा हाई पे, लेकिन 26 डिग्री टेम्परेचर होगा। एंड में मैं आपको 27 डिग्री और 26 डिग्री का कंपैरिजन भी बताऊंगा कि 27 डिग्री पर शुरू में, मिड में, एंड में क्या टेम्परेचर्स थे और 26 पर क्या रहे, तो सारा एनालिसिस होने वाला है। तो मिस मत कीजिएगा कोई भी पार्ट और सारी वीडियो स्टार्ट से एंड तक देख। पहले मैं अपना एसी ऑन कर लेता हूं। मैंने अपना एसी ऑन कर लिया है, मैंने ऑन कर दिया है, तो क्योंकि 27% था तो अभी 27 पर ही ऑन हुआ है। अब मैं इसको 26 डिग्री कर रहा हूं। तो व्यूअर्स, मैंने एसी का टेम्परेचर 26 कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फैन स्पीड की बात करें तो वो फुल है और कूल मोड में मैंने इसको चलाया है। तो चले एम्पियर्स चेक करते हैं। व्यूअर्स, ये 6.46 एम्पियर्स से स्टार्ट हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं जैसे जैसे ये चढ़ता है। 10:45 इस वक्त इसके ऊपर टाइम है, क्योंकि मैंने इसको रीसेट नहीं किया, इसको मैं 10:45 आवर्स चला चुका हूं। तो 10:45 हमारा रेफरेंस पॉइंट है स्टार्ट का, इसको याद रखिएगा, इससे ऑनवर्ड्स की मैं आपको रीडिंग्स दूंगा। 10:46 पर ही ये 7 एम्पियर्स पर आ गया है, बढ़ रहे हैं एम्पियर्स। मैं आपको दिखाता हूं कि पीक एम्पियर कितना लेता है और फिर कब ये ड्रॉप होना शुरू होगा और कितने तक ये लोएस्ट ड्रॉप हो जाएगा, कितने टाइम में। 10:49 पे ये 10.4 एम्पियर्स ले रहा है, 10:51 पे ये 10.13 एम्पियर्स ले रहा है, 10:57 पे ये 9.2 एम्पियर्स ले रहा है। तो ये भी मैं बता दूं कि स्विंग को मैंने ऑफ किया हुआ है, मतलब एक जगह ये स्टिल है, इसका जो ब्लेड है एक जगह स्टैग्नेंट है, और सीलिंग फैन को मैं स्लोएस्ट पे चला रहा हूं ताकि एयर अच्छे तरीके से पूरे कमरे में सर्कुलेट हो जाए। इसको मैं लास्ट से एक लेवल ऊपर पे चला रहा हूं, इससे हवा अच्छी फैल जाती है पूरे कमरे में। बस ये मैक्सिमम इतना ही तकरीबन चलता रहेगा। और 10:58 पे 9.22 एम्पियर्स ले रहा है, ये देखें मैक्सिमम इतनी स्पीड मैंने सीलिंग फैन की रखी हुई है। 11:07 पे 9.71 एम्पियर्स, 11:14 पे 9.11 एम्पियर्स, व्यूअर्स 11:29 पे 3.68 एम्पियर्स पे ये आ गया है, 11:35 पे 3.65 एम्पियर्स। मतलब ओवरऑल मैं आपको एनालिसिस तो करके दिखाने ही वाला हूँ, कंपेयर करके दिखाऊंगा कि 27 और 26 के एम्पियर्स में टोटल कितना फर्क रहा किस किस टाइम पे। लेकिन मैं आपको जनरली अभी तक ये बता सकता हूँ कि ओवरऑल ये शुरू से लेकर अब तक ज्यादा एम्पियर्स लेता आया है और मिनिमम भी इसके ज्यादा है 27 डिग्री से, मतलब एक एक डिग्री से बहुत फर्क पड़ता है। एक घंटे बाद भी 3.64 से नीचे नहीं आया, जबकि आप जानते हैं कि 27 डिग्री पर चलाएं तो 2.5 तक चला जाता है। मैं आपको पूरा कंपैरिजन दिखाता हूं, देखिए। तो दोस्तों ये ग्राफ मैंने काफी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है ताकि फर्क आप लोगों को वाजे हो जाए कि 26 और 27 डिग्री पर जब आप एसी चलाते हैं तो एम्पियर्स में कितना फर्क आता है। इसमें काफी मेहनत लगी है। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लंबाई के रुख पे वक्त है और ऊंचाई के रुख पे एम्पियर्स हैं। तो लंबाई के रुख में जो वक्त है उसमें 5 मिनट्स, 28 मिनट, 43 मिनट और 57 मिनट का टाइम है। तो इन मिनट्स पे मेरी गुज़िश्ता वीडियो और इस वीडियो में जो मैंने एम्पियर्स नोट किए थे 26 और 27 डिग्री के, वो मैंने ग्राफ में शो किए हैं। ऑरेंज कलर का ग्राफ 27 डिग्री की एम्पियर्स को शो करता है, जबकि नीले रंग का ग्राफ 26 डिग्री सेंटीग्रेड के एम्पियर्स को शो करता है। वाजे फ़र्क है, क्योंकि वीडियोस तो आप मेरी बहुत सी देखते रहते हैं और उसमें मैं आपको एम्पियर्स बताता रहता हूँ, लेकिन जैसे बताता रहता हूँ वैसे ही आपके जहन से निकलते जाते हैं। तो जब एक ग्राफ की सूरत में आपके सामने सारे एम्पियर्स मैं दिखा दूँ तो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी वाजे हो जाती है। तो आपको नज़र आ रहा है कि 27 डिग्री पर जब मैंने एसी चलाया कूल प्लस हाई फैन मोड पर, तो 7 एम्पियर्स ले रहा था 5 मिनट में, जबकि 26 में वो 10 से ऊपर एम्पियर्स ले रहा था।
फिर करीब आधा घंटा गुजरने के बाद 27 डिग्री वाला 7 से 6.5 पर आ गया, जबकि 26 डिग्री वाला 10 से 9.25 पे आ गया। फिर बुनियादी तौर पे एम्पेयर्स ड्रॉप तब हुए जब 40 से ऊपर मिनट हो गए, तो आप देख सकते हैं उसमें भी 1 एम्पेयर का फर्क है। और इसी तरह से करीब 1 घंटा पूरा जब होने वाला था तो लोएस्ट एम्पेयर 27 डिग्री वाले एसी ने 2.57 लिए, जबकि 26 डिग्री वाले एसी ने 3.64 लिए। इसका मतलब ये है कि ये अब जो लोएस्ट एम्पेयर एक दफ़ा इन एसीज ने ले लिए तो इन्हीं को लेते रहेंगे ये। जैसे हम अगर 27 डिग्री वाले की बात करें तो अभी इसने अगर 2.57 लिए 57 मिनट पे, तो 2.59 हो सकते हैं, 2.55 हो सकते हैं, फिर मतलब एवरेज 2.57 को मेंटेन करेगा आगे जितने मर्जी घंटे आप चलाएं इस रिमोट सेटिंग पे। यही बात मैं 26 वाले के बारे में कर सकता हूं। दोस्तों इस एनालिसिस से ये बात तो साफ है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एम्पेयर्स, वॉटेज, यूनिट जिसकी भी आप बात करें वो कम ही होती जाएगी। तो ये परसेप्शन के 26 डिग्री पर एसी सबसे कम बिजली खाता है ऐसा नहीं है। कोशिश करें कि अगर आप 27 या 28 पर चला सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर्स में अगर आप रहते हैं तो अक्सर ये चीज पॉसिबल भी होती है। मैं खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूं, मैं 27 डिग्री पर चलाता हूं तो मैं बहुत ही, मुझे 27 पर बहुत ठंड लग रही होती है, इनफैक्ट 28 पर मुझे ज्यादा मजा आता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते जाएंगे एसी का वैसे वैसे बिजली बचती जाएगी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि मेरी अक्सर वीडियोस देखकर व्यूअर्स ये कमेंट करते हैं आपने ये नहीं बताया कि एसी मैक्सिमम और मिनिमम एम्पेयर्स कितनी लेता है। मतलब आपको पता है मैं अपने चैनल पर डिफरेंट एसी के ब्रांड्स के बारे में बताता हूं कि इसकी क्या खसूसियात है, क्या प्राइस है, सब कुछ। तो लोग कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम एम्पेयर्स भी बताया करें, तो ये बहुत फजूल सा सवाल है। उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पेयर्स तो बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना सिर्फ इस पर डिपेंड करते हैं कि आपने एसी का टेम्परेचर कौन सा सेट किया है, बल्कि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने मोड कौन सा सिलेक्ट किया है, आपने फैन को किस लेवल पर रखा है। और फिर इन चीजों के अलावा इन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि आपका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, किस फ्लोर पे है, आपका कमरा कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपने एसी कितनी टनेज का लिया हुआ है, और आपने एसी का आउटर यूनिट दीवार के साथ जरा शेड में लगाया हुआ है या छत पे एक्सपोज करके लगाया हुआ है। इन सारी ही चीजों से फर्क पड़ता है कि आपका एसी जब आप चलाएंगे तो वो मैक्सिमम कितने एम्पेयर्स लेगा और मिनिमम कितने एम्पेयर्स लेगा। तो अगर दुकानदार से भी मैं पूछता हूं कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पेयर्स ये एसी कितना लेता है, तो अगर वो मुझे जवाब देता है कि ये मैक्सिमम 8 तक चला जाता है, मिनिमम 2 तक चला जाता है, तो ये एक फजूल सा जवाब है। बेसिकली सवाल ही फजूल है, क्योंकि मैक्सिमम कभी भी 8 पर नहीं रहेगा, वो 10, 11, 7 कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज फैक्टर्स जिनकी मैंने पहले आपसे बात की। इसी तरह से कितना गिरेगा उसका एम्पेयर कंजम्पशन, वो भी इन सारी ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपका एसी मैक्सिमम कितने एम्पेयर्स या मिनिमम पर जाएगा वो आप सिर्फ तभी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास भी एम्पेयर मीटर हो। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सारा जेन्युइन एनालिसिस है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूं, जैसे 28 डिग्री पर लो फैन हाई फैन के साथ चलाकर देखूंगा, ऑटो मोड पर चलाकर देखूंगा। मेरे व्यूअर्स ने यह भी सजेस्ट किया था कमेंट्स में कि मैं पहले टर्बो पर चलाऊं 10 मिनट और उसके बाद 26 या 27 डिग्री पर चलाकर एम्पेयर कंजम्पशन या यूनिट्स कंजम्पशन देखूं। इनफैक्ट आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डायरेक्टली यूनिट्स ही दिखा दूंगा, क्योंकि एम्पेयर से कन्वर्ट करना यूनिट में वो अलग एक साइंस है। आपको क्यों ना मैं सिंपल ही बता दूं, क्योंकि मेरा डिजिटल एम्पेयर मीटर यूनिट्स भी शो करता है। तो सिंपल ये रहेगा कि मैं आपको डायरेक्टली यूनिट्स ही दिखा दूं कि मैंने इस सेटिंग पर एसी चलाया है तो 1 घंटे में इतनी यूनिट्स खर्च हुई है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाली हैं, मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को, लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और कोई भी आपके जहन में राय है या कोई भी क्वेश्चन है या इस वीडियो के बारे में भी कमेंट्स हैं जरूर कीजिए कमेंट, मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। देखते रहिए टेक शो विद बिलाल, आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।